पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान क्यों चुप रहते हैं? दोस्तों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। फिर देवर्षि नारद को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगी जिसका भाग बनकर तुम यहाँ पर आए हो। फिर नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? हम यहाँ किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, उसी का समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मुझे तुम्हारी इन शंका का समाधान करके खुशी होगी। फिर नारद जी कहते हैं, पापी लोगों को पाप करते देखते हुए भी भगवान क्यों चुप रहते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, तुमने पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह अपने जीवन काल में किसी भी बात को लेकर कभी भी पश्चाताप नहीं करता है, और वह मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देख कर भी भगवान क्यों चुप रहते हैं। तो दोस्तों, फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक मोरनी और मोर का जोड़ा रहा करते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे और उनका जीवन बड़े सुख और सुंदर से कट रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है, मोरनी अपने पति मोर से कहती है, हे पिया जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है। उन्हें सिर्फ इस दुनिया को चलाना होता है और बैठे बैठे वह पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। दूसरी ओर हमारा जीवन कितना कठिन है, हमें रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, इस पर मोर कहता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। एक गांव की बात है, उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर के बगल ही एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक सोहन नाम का व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वह उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, तो कभी दुनियादारी की बातें करता था। दोस्तों, फिर आगे मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा है। हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है, आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं, और कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, और मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजारों तरह के दुख भरे पड़े हैं,
और हजारों तरह की परेशानियां आप दे दिए हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूं, और वही पापी पाखंडी लोगों को देखो दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी भी जिंदगी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। दोस्तों, तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया, और वह उसी शिवलिंग के प्रतिमा से ही अपने त्रिभुज रूप में भगवान शिव अपने नंदी के साथ में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दूसरों का जीवन ही दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव उस सोहन नाम के व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर वह भक्त बोला, हे भगवान भोलेनाथ, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूं तो किसी समय खड़ा रह सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्र, मैं फिर कहता हूँ, तुम यह नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो वह घमंड से भर जाता है, और जरा भी दुख आ जाता है तो वह टूटकर शीशे की भांति बिखर जाता है, वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। दोस्तों, फिर भक्त बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए आपकी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस सोहन नाम के व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह बड़ा जिद्दी था, उसने भगवान शिव की एक भी बात नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पकड़ते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा, बेटा ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। दोस्तों, फिर वह सोहन नाम का भक्त बोला, हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, परंतु परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे।
तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा और उनके अच्छे बुरे कर्म को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मित्रों, अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बनाकर बदल ली और एक दिन के लिए उसे भगवान शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। दोस्तों, फिर जब कुछ समय बीता तो क्या होता है कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। दोस्तों, वह सेठ अपनी प्रार्थना कहने के बाद माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसके जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान का भक्त यह सब देख रहा था कि उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका बटुआ यहीं पर गिर गया है। लेकिन फिर उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई कि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप देखता रहा। दोस्तों, तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आता है और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का मेरा जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र एक रुपए है, इससे तो न एक समय का राशन आ पाएगा और न माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भोलेनाथ, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। मित्रों, इतना कहकर वह आदमी मंदिर से जाने लगा। तभी उसकी नजर पैसों से भरे एक बटुए पर पड़ी, जिससे उसने तुरंत बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान भोलेनाथ, आप वास्तव में बड़े महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। दोस्तों, फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे, यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी इसे उठाकर ले जा रहा है। दोस्तों, एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वह उसे ले जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की वह शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर शिवलिंग की प्रतिमा में विराजमान था। अब गरीब आदमी के जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। अब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। दोस्तों, यह बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। फिर भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया और कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी ने चुरा ले गया है।
मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। मित्रों, अब भला सेठ और सेठ के लोग भगवान की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया और वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। तब भगवान शिव भक्त की बात सुनी और कहने लगे, बेटा, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप करके करोड़ों रुपए की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ? कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगा, हे भगवान भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। फिर भक्त आगे कहता है, हे भगवान भोलेनाथ, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोषी कहने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। दोस्तों, फिर वह भक्त भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के आगे और पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, फिर उसके बाद भगवान शिव उस भक्त से कहते हैं, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर आगे वह भक्त कहता है, हे भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं इतनी ही सरलता से लोगों के दुखी को दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान दे देते हैं। तो हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया हूँ, कुछ भी बनना आसान है पर भगवान बनना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु करके वहां से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुंच जाते हैं। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, वह मोर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी चुप क्यों रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर तथा भगवान पर निर्भर हो जाएंगे उस दिन वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दूसरा कारण यह है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए तो आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे।
दोस्तों, फिर आगे देवर्षि नारद इस कथा को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने मुझे इस कथा को सुनाकर मेरे मन को शांत किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।